हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं फाइनली आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 या फिर आप कह सकते हैं अपडेटेड बजाज पल्सर NS125 A5 मॉडल। जी हाँ फ्रेंड, जिसके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतजार किया था और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा, क्या चेंज हुई है, प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ी है, माइलेज, फीचर, स्पेसिफिकेशन सबके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वीडियो के एंड तक आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये बाइक 2023 में खरीदना आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल कांडला फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा सकूँ। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या कांडला में रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों रिव्यू शुरू करते हैं और चलिए दोस्तों वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं 2023 बजाज पल्सर NS125। और सबसे पहले यहां पर अपडेट के बारे में बात करते हैं। एक जो अपडेट बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है वो है, आप देख सकते हैं ये OBD2 वर्जन जो कंपनी ने यहाँ पर स्टिकरिंग भी बकायदा कर दिया है। अब इसके तहत चेंज क्या क्या हुई है, वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को पांच सबसे बड़ा विजिबल डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, या फिर कह सकते हैं चेंज जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो इंजन में पहले आप लोग को DTSI की जो ब्रांडिंग है वो मिला करती थी, लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं तो DTSI नहीं मिल रही है। डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, मतलब दो स्पार्क प्लग मिला करती थी, वो अभी आपको नहीं मिल रही है। राइट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो आप देखिए आप लोग को स्पार्क प्लग नहीं मिल रही है, सिर्फ आप लोग को इसकी जो राइट साइड है या फिर आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड है, यहां पर सिर्फ आप लोगों को जो एक ही स्पार्क प्लग है वो यहां पर देखने में मिल रही है। पहला चेंज बताया मैंने आप लोगों को बता दिया है। दूसरा चेंज अगर आप देखते हैं तो पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिला करती थी, अभी उसकी वजह से आप मतलब पहले आपको एक नॉब मिला करती थी रिजर्व वगैरह में डालने के लिए फ्यूल को, अभी आप देख सकते हैं वो हट चुकी है और फ्यूल इंजेक्शन यहां पर आ चुकी है, तो दूसरा बड़ा अपडेट है। तीसरा अगर मैं आप लोगों को अपडेट बताऊं तो वो है इसके मीटर कंसोल में ये जो सारी चीजें आप देख सकते हैं यहां पर एक्स्ट्रा ऐड करी गई है, इसके बारे में आगे मैं आप लोगों को विस्तार से बताने वाला हूं। अब इसे बताने दीजिए कि यहां पर चेंज क्या क्या है। अगर चौथी चीज देखते हैं तो पहले ये जो आपको ये टायर अगर मिल रही है इस साइड से भी जुड़ा हुआ करती थी, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं सिर्फ आप लोगों को ये राइट साइड से ही जुड़ी हुई देखने को मिलेगी, चौथी चेंज है। पांचवी और सबसे बड़ी चेंज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वो है फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल इंजन। आप देख सकते हैं ये E20 यहां पर लिखी हुई है, स्ट्रेट मतलब ये बनता है फ्यूचर में कभी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लेक्स फ्यूल 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ वो फ्लेक्स फ्यूल भी अगर लागू कर देती है तो उस फ्यूल के साथ भी ये जो इंजन है चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, अभी जो नॉर्मल फ्यूल मार्केट अभी में आप लोगों को मिल जाती है मार्केट में, उस फ्यूल के साथ भी ये जो इंजन है बिल्कुल चल सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने आप लोगों को अपडेट्स के बारे में बता दिया है और इतनी सारी जो अपडेट हुई है इसकी बाद आप लोगों को यहां पर कितना पे करना हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप लोगों को करीबन 1,28,000 तक पे करना हो रहा था और अभी आप लोगों को करीबन 1,29,665 रुपीज पे करना हो रहा है, तो कह सकते हैं कि करीबन मतलब 1,600-1,700 रुपए तक यहां पर इंक्रीज हुई है। तो इतनी सारी अपडेट के बाद ये जो प्राइस इंक्रीज हुई है आप लोगों को क्या लग रहा है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को यहां पर जो फीच मतलब जो वॉक अराउंड है वो दे देता हूं और सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर जो कलर है उसके बारे में बता दूं। चार पहले जो कलर मिला करती थी रेड, ऑरेंज, ब्लू, ग्रे, वही आपको मिल रही है। ये जो कलर ब्लू आप देख रहे हैं इसकी जो 360 वॉक अराउंड के दौरान व्यू है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल यहां पर दिखाने वाला हूं। और अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर जो की है वो बता दूं, आप देख सकते हैं पहले जैसे नॉर्मल की मिला करती थी वही नॉर्मल की अभी भी आपको देखने में मिल रही है। और अगर आप इसको ऑन करते हैं तो वैसे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप इसकी इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। जैसे आप इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं ये जो पायलट लैंप है या जो हैलोजन हेड लैंप का सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर जलती भी दिख जाएगी, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर है फ्लेक्सिबल बल्ब की वो भी देखने में मिलती है। लुक इसकी काफ़ी ज़्यादा यूथफुल है, काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, ये नेकेड वुल्फ वाला लुक मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आप लोगों को कैसी लगती है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नंबर प्लेट लगाने की जगह है वो मिल रही है फेक कार्बन फाइबर वाली फिनिश के साथ, यहाँ पर आपको ये तगड़ी सी फाइबर की मडगार्ड देखने को मिल रही है। टायर अगर आप देखते हैं तो 80/100 सेशन की टायर भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है, 17 इंच अलॉय व्हील के साथ यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुई है। सेफ्टी में अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल रही है, स्ट्रेट मतलब यह है, देखिए अभी मैं ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, ब्रेक जैसे अप्लाई कर रहा हूँ देखिए रियर ब्रेक के साथ साथ ये जो फ्रंट ब्रेक है ये भी अप्लाई होती है। अभी क्यों होती है, ताकि जो ब्रेकिंग है उसको और ज़्यादा तगड़ी बनाया जा सके। साथ ही अगर आप फ्रंट में देखते हैं तो यहाँ पर एक ही आप लोग को ये वर्जन मिलती है जो कि है डिस्क वर्जन, जो 240mm की जो पेडल डिस्क है वो आप लोगों को देखने को मिलती है यहां पर कैलिपर के साथ। अब मैंने बहुत सारी वीडियो में कही हुई है पेडल डिस्क में हीट डिसिपेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है ब्रेकिंग के टाइम पर। और यहां पर एक रिफ्लेक्टर तो मिल ही रही है। सस्पेंशन अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको ये 31mm की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो भी देखने में यहां पर मिल रही है। अब यहां पर मुद्दे की बात करते हैं पावर हाउस ऑफ द बाइक के बारे में। अब देख सकते हैं 125cc में काफी ज्यादा प्रीमियमनेस होने के बाद भी कंपनी ने यहां पर ये जो किक स्टार्ट उसको नहीं हटाई है। एक चीज और, अगर आप किक स्टार्ट को यूज करना चाहते हैं तो आप लोग अब देख सकते हैं ये यहां पर मतलब क्रैश कर सकती है, तो क्रैश को हटाने के लिए आप लोग को यहां पर जो फुटरेस्ट है उसको भी हटाना होगा। बाकी ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने
आप लोगों को देना जरूरी समझा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को इंजन तो वही मिल रही है जिससे पहले मिला करती थी, सिर्फ यहाँ पर अभी सिंगल स्पार्क प्लग के साथ आ रही है। 124.45 सीसी SOHC, जी हाँ, ये फोर वेल्व है, एयर कूल फिलिंगेशन इंजन आप लोगों को मिल रही है, जो कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर मिला करती थी। अब देखिए, मतलब अपडेशन के बारे में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाया कि, लेकिन पहले जो मिला करती थी वो है 12 PS पावर 8500 RPM पे और 11 न्यूटन मीटर टॉर्क 7000 RPM पे। अगर कोई चेंज वगैरह हुई है, अपडेशन जैसे ही मुझे पता चलता है, मैं आप लोगों के लिए उसको पिन कमेंट में बिल्कुल डाल देने वाला हूँ। अब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मतलब इंजन काउल है, ये भी आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिल रही है, फाइबर की ये भी है। और रेयर में जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये जो अंडरव्हील एग्जॉस्ट इसकी जो साउंड है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। और ये दोस्तों आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बेसियर लगती है, आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल आप बताइएगा। साथ ही अगर आप देख रहे हैं ये जो फुटरेस्ट है या जो ब्रेक लिवर्स वगैरह की क्वालिटी है बहुत सही है। रियर में अगर आप आ रहे हैं, मैं आपको दोबारा बता दूं, आप देख सकते हैं जो की है वो ऑन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं दिख रही है। जब तक इग्निशन आप ऑन नहीं करते हैं, यहाँ पर ये जो LED टेल लैंप है वो आपको जलती भी नहीं दिखेगी। यहाँ पर टेल टाइडी देख आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर देखने में मिलती है, डिज़ाइन वगैरह काफ़ी ज़्यादा सही है। फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर भी मिल रही है जो कि बल्ब की है, नंबर प्लेट लगाने की जगह ऊपर आप देख सकते हैं ये बल्ब भी आपको देखने में मिल जाती है और यहां पर एक रिफ्लेक्टर मिल रही है। टायर अगर दो है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और अगर आप टायर यहां पर देख रहे हैं तो 100/90 सेक्शन की टायर मिल रही है 17 इंच अलॉय व्हील के साथ। यहां पर 130mm की ड्रम ब्रेक आपको देखने में मिल रही है और साथ ही यहां पर आपको ये जो मोनोशॉक है वो भी मिल जाती है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी कंपैरिजन देना चाहूंगा इसकी जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर है रेडर 125 के साथ। चाहे टायर है, चाहे ये सस्पेंशन है, चाहे ये ब्रेकिंग है, अगर आप फ्रंट और रियर दोनों में देख रहे हैं तो कोई डिफरेंस आप लोगों को रेडर और इसमें देखने में नहीं मिलेगी। लेकिन आपको डिफरेंस देखने में कहां मिलेगी वो है इसके इंजन में। ऑन पेपर अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर जो पावर है आप लोगों को थोड़ी ज्यादा देखने में मिल जाती है अगर आप इसको रेडर से कंपेयर करते हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को इस बाइक की लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊं तो सबसे पहले अगर आप इसकी रियर में देख रहे हैं तो आप लोगों को यहां पर जो साड़ी गार्ड है वो देखने को मिल रही है। हाँ, यहाँ पर मतलब पहले आप लोगों को जो मतलब फुटेज वगैरह वो देखने को मिलती थी, लेकिन अभी यहाँ पर ये देखने में नहीं मिल रही, तो ये भी आप एक चेंज कह सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर ये मेन स्टैंड देख रहे हैं तो वो भी मिल रही है, साइड स्टैंड भी मिल रही है, साथ ही आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कटऑफ सेंसर भी मिल रही है जो आप लोगों को ऑन रोड एक्सीडेंट से बहुत हद तक राहत देती है। आप देख सकते हैं तो स्पूटी बाइक है तो यहाँ पर आप लोगों को ओपन चेस्ट सिस्टम भी मिल रही है, तो आप लोग इसकी मेंटेनेंस पे ध्यान देना होगा ताकि परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों ही आपको सही मिले। 5-speed गियरबॉक्स के साथ आप लोग को यहाँ पर ये देखने में मिल रही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। क्रैश गार्ड भी आप लोगों को काफ़ी स्टडी देखने में मिलती है। तो साइडवाइज अगर गाड़ी कभी गिरती भी है, भगवान ना करे, लेकिन अगर गिरती भी है तो भी आप लोगों को स्क्रैचेस लगने की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत हद तक कम हो जाती है। अब अगर मैं आप लोगों को डायमेंशन बताऊं, सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो 805mm तक की यहाँ पर आप लोगों को जो सीट हाइट है वो भी देखने में मिल रही है। और अगर आप लोग कुशनिंग वगैरह देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और पकड़ के बैठने के लिए पिलन के लिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी काफ़ी तगड़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर NS125 स्टिकरिंग है, ये ब्लू और वाइट, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये मैट फिनिश के साथ व्हाइट कलर भी दी गई है। और अगर आप टैंक पर देख रहे हैं तो पल्सर के लोगों के साथ कलर में ये टैंक भी आप लोगों को यहां पर देखने में मिलती है। हाइट अगर आपकी 5'3" तक की है या 5'4" तक की है, इस बाइक को मैनेज करने में आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टैंक आप लोगों को यहां पर 12 लीटर की फाइबर की देखने को मिलती है, हां, लेकिन जहां पर एक्चुअल में पेट्रोल स्टोर हो रही है वो आप लोगों को मेटल की ही देखने में मिल जाती है। एक चीज आप लोग यहां पर नोटिस करिएगा, यहां पर अगर आप लोग फिनिश वगैरह देख रहे हैं तो देखिए सारी चीजें इवन है, मतलब मैं फिटिंग फिनिश की बात कर रहा हूं तो उसमें भी आप लोगों को यहां पर कोई वैसे कंप्लेन नहीं होगी। माइलेज की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो 50 किलोमीटर तक की यहां पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी आप लोग यहां पर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी सी स्पोर्ट्स बाइक, मतलब एक स्पूटी बाइक आप लोगों को यहां पर मतलब जो एक्सपीरियंस है वो आपको देती है, परफॉर्मेंस आपको उस तरीके की मिलती है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस बताऊं तो 179mm की मिल रही है, और अगर ओवरऑल वेट आप देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, 144 किलोग्राम की ही है। हाँ, लेकिन आप रेडर देखते हैं तो वो 123 किलोग्राम की बिल्कुल बनती है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ये हैंडल बार के बारे में बताऊं तो यहाँ पर भी वैसे तो कोई चेंज नहीं हुई है। एक चीज़ जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा वो है इसकी ये मतलब जो मिरर, क्योंकि अभी ये लॉट से उतरी है और मैं इसको रिव्यू के लिए लेकर आ चुका हूँ तो ये लगाने का भी मुझे मौका नहीं मिला है, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। बट अगर आप लोग यहाँ पर हैंडल बार देखते हैं, क्लिप ऑन जैसे पहले था वही है, और अगर आप ये क्लच एक्शन देख रहे हैं ना, फॉर सम रीजन ये मुझे अभी थोड़ी हल्की लग रही है। पास लाइट का स्विच, हाई बीम लो बीम, और रिटर्न इंडिकेटर्स,
हॉर्न इज डेफिनेटली लाउड, और राइट साइड में अगर आप आते हैं तो इंजन किल स्विच मिल रही है और यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल देखते हैं तो एक बार इसको ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो अभी देखिए एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सर्विस इंडिकेटर दोबारा ऑफ करके ऑन करते हैं, साइड स्टैंड की जो इंडिकेटर वगैरह वो भी मिल रही है, बाकी ये जो एक स्वाइप लेती है ये जो पल्सर की आप कह सकते हैं कि जो सिग्नेचर स्टेप है वो मिल रही है। देन यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल गेज सेंसर, यहाँ पर न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, देन यहाँ पर आप लोगों को ये मतलब बैटरी इंडिकेटर, इंजन मैल फंक्शन लाइट, बजाज की लोगो, देन यहाँ पर आप लोग को ये टाइम, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर मिल रही है, मोटर सेट का दो बटन भी है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिप वन, देन ट्रिप टू, देन आप लोगों को डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह यहाँ पर ये दिखा देती है। आरपीएम शिफ्ट लाइट तो आपको पहले भी मिल ही रही थी। और दोस्तों अब यहाँ पर सारी मैंने आप लोगों को बाइक के बारे में सब कुछ बता दिया है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 2023 में बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा सही हो सकता है। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आप लोग यहाँ पर रेडर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर आपकी बजट अराउंड 1,15,000 से 16,000 तक में है, आपको एक 125cc में स्पोर्टी लुकिंग बाइक चाहिए थी, हल्की बाइक चाहिए थी, इनिशियल एक्सेलरेशन अच्छी चाहिए थी, तो आप बिल्कुल रेडर 125 खरीद सकते हैं। और अगर आप नए रास्ते ट्रैवल करते हैं, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल आपको चाहिए ताकि आप टर्न बटन नेविगेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट वगैरह चाहिए तो 10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा और डालिए, 1,26,000 तक अगर आप जाते हैं तो रेडर में आप लोगों को 125cc में होते हुए भी 150cc की जो बाइक है उसके हिसाब से काफ़ी हद तक वो जो फील है आपको वहाँ पर मिल जाती है। ये सारी चीज़ों के लिए आप रेडर खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आते हैं ना, तीन में मेन चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा जिसकी वजह से ये बाइक काफ़ी बेहतरीन बनती है। देखिए एक तो यह है कि पेरीमीटर फ्रेम मिली है जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पर हैंडलिंग अच्छी मिलती है, FI यहाँ पर अपडेट हुई है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, माइलेज भी अच्छी मिलेगी। और तीसरी बात यह है कि ये जो लुक है ना बहुत ज़्यादा यूथफुल है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। तो ये जो तीन रीज़न है इसकी वजह से भी आप इस बाइक को बिल्कुल खरीद सकते हैं। और चौथा रीज़न और सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि यहाँ पर अभी ये E20 अपडेट के बाद, OBD2 अपडेट के बाद ये एक फ्यूचर रेडी बाइक बन चुकी है। अब देखिए दोस्तों मैं तो ये बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं लेकिन आपको अगर फीचर बहुत ज़्यादा प्यारी नहीं है, आपको मिड रेंज और टॉप एंड परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, पेरीमीटर फ्रेम चाहिए, NS आपको प्यारा है तो ये बाइक आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, बाइक आपको कैसी लगी बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, प्राइस आपको कहाँ तक सही लग रही है वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्द एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।